आओ सभी लोगों का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि से पहले हम आपको कुछ विशेष वीडियो उपलब्ध करवाने वाले थे, लेकिन समय की ऐसी माया रही कि वो वीडियो हम आपको उपलब्ध नहीं करवा पाए। हमें समय नहीं मिल पाया और ना ही हम आपको नवरात्रि की शुभकामनाएँ दे पाए। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता भवानी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। ये नवरात्रि आप सभी के लिए, आपके परिवार के लिए अच्छी खुशियां लेकर आए, आपका आर्थिक और आध्यात्मिक विकास करे और माता भवानी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाए। यही हमारी माता से प्रार्थना है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको दशहरे से संबंधित मंत्र प्रयोग उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको श्री वृद्धि मंत्र का प्रयोग उपलब्ध करवा रहे हैं। ये दशहरे के ऊपर किया जाने वाला एक मंत्र प्रयोग है, जिसे करके आप अपने धन में वृद्धि कर सकते हो, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। अब देखिए, नवरात्रि से संबंधित भी कुछ प्रयोग थे जो आपको उपलब्ध करवाते, लेकिन वो नवरात्रि से पहले उपलब्ध करवाने थे तो वो उपलब्ध नहीं करवा पाए, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और अब आपको हम दशहरे से संबंधित ही कुछ प्रयोग उपलब्ध करवाएंगे। और दिवाली भी आने वाली है, तो दिवाली पर भी कई प्रकार की साधनाएं और मंत्र प्रयोग किए जाते हैं, तो वो भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज का जो मंत्र प्रयोग है वो दशहरे का मंत्र प्रयोग है। इसमें आप देव अपने धन में वृद्धि कर सकते हो। अब वो किस तरीके से करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दशहरे के दिन अगर आप श्री वृद्धि मंत्र का प्रयोग करते हो तो आपको धन में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। आपके धन में अचानक वृद्धि होने लग जाती है, धन की आवक घर में बढ़ने लग जाती है। आपके हाथों में अगर धन नहीं रुकता तो वो भी रुकना लग जाता है। आपके फालतू के खर्चे हो रहे हैं तो वो अपने आप बंद होने लग जाते हैं, और जिससे आपका आर्थिक विकास शुरू हो जाता है। इस वृद्धि मंत्र का प्रयोग आप अपने घर में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि भाई आप किसी मंदिर में जाके करो, इस प्रयोग को आप अपने घर में ही करना है, और उस जगह पर करना है जहाँ पर आप धन से संबंधित कार्य करते हो या फिर जहाँ पर आप अपना धन रखते हो, वहाँ पर आपको प्रयोग को करना है। इस प्रयोग में आपको किसी भी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कुछ सामान्य चीजों की आवश्यकता होगी, और आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रयोग जो है बहुत ज्यादा कारगर है। और इस प्रयोग को अगर आप एक बार कर लोगे तो ये आपको जरूर सफलता प्रदान करेगा, लेकिन बस ये कि इसमें आपकी मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी अन्य प्रयोगों के मुकाबले। अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो आपके घर में निश्चित ही धन की वृद्धि होगी, क्योंकि ये धन वृद्धि से संबंधित एक अचूक उपाय है। आप अपने घर में धन की ऐसी वृद्धि देखोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी, लेकिन आपको इस प्रयोग को बिल्कुल गुप्त रखना होता है। आपको लाभ मिलने के बाद भी इस प्रयोग को किसी को भी नहीं बताना। सिर्फ वृद्धि मंत्र जो है वो पार्श्वनाथ भगवान शिव का मंत्र है, और इस मंत्र के प्रयोग से आपकी आय के साधनों के रास्ते खुलने लगते हैं और आपके धन में बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है। श्री वृद्धि मंत्र का जाप आपको दशहरे से प्रारंभ करके लगातार 3 दिनों तक करना होगा, जिससे आपको शीघ्र ही धन के लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। श्री वृद्धि मंत्र का प्रयोग करते समय आपको हवन भी करना होगा, और उसके लिए आपको पुष्पों की आवश्यकता होगी। आप गुलाब के पुष्प ले आइएगा, और अगर आप पुष्प नहीं ला सकते, देखिए आपको 108 पुष्प लेकर आने हैं, क्योंकि आपको 108 आहुतियाँ देते हुए हवन करना है। अब अगर आपके पास 108 पुष्प नहीं हो पाते हैं तो आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लेनी है। 108 गुलाब की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, उनको घी में डुबोकर आप हवन संपन्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हवन कर लीजिएगा। और ये साधना किस जगह की जाएगी, जहाँ पर आप धन से संबंधित कार्य करते हो या फिर जहाँ पर आप धन रखते हो, वहीं पर आपको इस मंत्र प्रयोग को करना है। इस मंत्र प्रयोग को आपको दशहरे के दिन रावण दहन के बाद में करना है। तो किस तरीके से करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब रावण दहन हो जाता है रात्रि में, उसके बाद आपको इस प्रयोग को करना है। तो अर्थात ये प्रयोग आपको 10-12 बजे के बाद करना है। जब आप इस प्रयोग को करोगे तो आपको सबसे पहले तो आपको बिल्कुल स्वच्छ हो जाना है। नहा लीजिएगा अगर आप नहा सकते हो तो, नहीं तो अच्छी तरीके से हाथ मुंह धोकर साफ सुथरा वस्त्र धारण करके जिस स्थान पर आप साधना करना चाहते हो वहाँ पर पहले से साफ सफाई कर लीजिएगा। और अब वहाँ पर जाकर आसन लगाइए, आसन पर बैठिए, अपने सामने चौकी स्थापित कीजिए, उसके ऊपर भी एक कपड़ा बिछाइए, और फिर भगवान शिव की माता पार्वती का चित्र वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, और फिर हाथ जोड़कर सबसे पहले उनको प्रणाम कीजिए, और फिर गणेश जी का ध्यान करके उनसे साधना की आज्ञा लीजिए, अपने गुरु जी का ध्यान करके उनसे साधना की आज्ञा लीजिए, इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उनसे साधना की आज्ञा लीजिए, अपने जो कुल देवी देवता होते हैं उनको भी प्रणाम कीजिए, और उनसे भी आपको साधना की आज्ञा लेनी है। उसके बाद में आपको धूप दीप जलाकर भगवान को प्रणाम करना है, और फिर आपको धूप दीप भगवान को दिखाते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि आपका जो ये मंत्र प्रयोग है वो सफल हो जाए।
और सबसे पहले आपको गणेश जी का ध्यान करना है, उनसे साधना की सफलता की प्रार्थना करनी है और फिर एक माला गणेश जी के मंत्र का जाप करना है। उसके बाद में अपने गुरु जी का ध्यान करके उनसे आज्ञा लीजिए, एक माला गुरु के मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद में अपने इष्ट देव और कुल देवता का भी ध्यान करना है, उनका मानसिक पूजन करना है और फिर भगवान शिव का पूजन करने के बाद में धूप दीप पुष्प गंध आदि से भगवान शिव का पूजन कीजिए और उसके बाद में आपको भगवान शिव के सामने संकल्प लेना है। हाथ में जल लेके संकल्प लीजिए कि हे भगवान शिव, मैं आज से 3 दिन तक रोजाना मंत्र जाप करूंगा। और देखिए, मैंने आपको कहा था कि भाई ये मंत्र जाप आपके लिए थोड़ा मेहनत भरा होगा, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक दिन में ही 100 माला पूरी करनी है। तो इसलिए आपको साधना में कहना है कि हे भगवान शिव, मैं आज से 3 दिन तक रोजाना 100 माला मंत्र जाप करूंगा और साथ में एक माला का हवन भी करूंगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से संकल्प लेना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी की है, भगवान शिव आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, मेरे घर में जो भी धन से संबंधित परेशानियाँ चल रही हैं वो दूर हो जाए और मैं अपने परिवार को अच्छे स्तर पर ले जा सकूं, उनका विकास कर सकूं, उनको ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करवा सकूं, इतना मुझे सक्षम बनाए। इस तरीके से आप संकल्प लीजिए, भगवान शिव को प्रणाम कीजिए, जल को छोड़िए और उसके बाद में उनको प्रणाम करते हुए आप माला को उठाइए। माला का भी आपको पूजन करना होता है, उनको भी धूप दीप दिखाइए और माला देवी से भी प्रार्थना करने के बाद में आप माला लेकर उससे फिर मंत्र जाप कीजिए और इतना करने के बाद में आप मंत्र जाप शुरू कीजिए। भगवान शिव को प्रणाम करके मंत्र जाप आपको शुरू करना है। मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है तो 100 माला आपको इस मंत्र की करनी होती है। तो 99 माला पूरी होने के बाद में आपको जो एक माला रहेगी उससे आपको हवन करना है। 3 दिन ही आपको हवन करना है। अपने सामने हवन में अग्नि प्रज्वलित कीजिए कपूर आदि से और फिर उसके बाद में गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं या फिर आपने गुलाब के फूल ले रखे हैं 108, तो मंत्र को बोलते हुए आपको उनको घी में डुबोकर हवन संपन्न करना है। इस तरीके से आपको ये हवन पूरा करना होता है। ये सब करने के बाद में भगवान शिव को प्रणाम करना है और फिर उनसे प्रार्थना करनी है, उनका ध्यान करना है थोड़ी देर तक वहीं पर बैठकर और फिर आपको उनको प्रणाम करके आपके आसन से उठ जाना है। इस तरीके से आपको 3 दिन तक ये कार्य करना है। अब देखिए, एक जो सबसे ज़रूरी बात जो हर साधना में आवश्यक होती है, पहले मैंने नहीं बताई कई वीडियो में, तो वो मैं अब बता देता हूँ। तो देखिए, जब भी हम कोई साधना करते हैं या फिर कोई भी मंत्र का प्रयोग करते हैं तो जिस गुरु के द्वारा वो मंत्र प्राप्त होता है, जिस भी पंडित के द्वारा है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा वो मंत्र प्राप्त होता है, तो वो मंत्र प्रयोग करने के बाद में, वो साधना करने के बाद में उस गुरु को दक्षिणा जरूर देनी होती है। ये मंत्र हमारे द्वारा आपको प्रदान किया गया है तो आपको हमें दक्षिणा देनी होगी। अब देखिए, हमें आपसे बिल्कुल भी पैसे नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे भाई आप हमें इतने पैसे दीजिए, आप बिल्कुल भी हमें पैसे मत दीजिए, बस आप एक काम कर दीजिएगा, वही हमारे लिए हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। वो काम क्या है कि जब ये मंत्र जाप पूरा हो जाए और आपका ये कार्य पूरा हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे फ़ायदा हुआ है, तो उसके बाद में आपको जाकर अगले दिन, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो अगले दिन जाकर आपको भगवान शिव के प्रसाद चढ़ाना है। दूसरी बात, गाय को खाना खिलाना है और छोटे छोटे बच्चों को भी आप प्रसाद बांटिएगा। और तीसरा काम आपको क्या करना है कि जो चींटियाँ होती हैं, जो पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनको आप चुगा डालिए। जो पक्षी होते हैं उनके लिए जल की व्यवस्था कर दीजिए। एक दिन ही करेंगे तो वो भी पर्याप्त होगा, तो आप चींटियों को चुगा डाल दीजिए। जो चून होता है आटे में, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर चींटियों का जहाँ पर बिल हो वहाँ पर आप डालिएगा। और फिर उसके बाद में आप अपने घर के छत पर या मंदिर की छत पर एक मुट्ठी दाने बखेर दीजिएगा, यही हमारी गुरु दक्षिणा हो जाएगी। अगर आप इसको आगे तक कर सकते हो, इस प्रयोग को आप दीपावली तक करते हो, तो आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रयोग को, यानी कि जो आपने ये दाने बिखेरने का काम किया है, इसको दीपावली तक करते हो तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, आपको धन के बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हमारा उद्देश्य आपसे पैसे कमाने का नहीं है, इसीलिए हमें आपसे कोई भी पैसे आदि नहीं चाहिए, बस आप इतना सा काम कर दीजिएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और आपकी साधना भी सफल हो जाएगी। और जो ये प्रयोग है, ये 3 दिन का प्रयोग है, 3 दिन का प्रयोग करने के बाद में ये काम कीजिएगा, उसके बाद में आपको 100% जरूर लाभ प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति इस काम को नहीं करेगा उसको लाभ प्राप्त नहीं होंगे। हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, हर कोई व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। चींटियों को चूगा डाल सकता है, पक्षियों को दाना डाल सकता है, गाय को भोजन करा सकता है, कुत्ते को भोजन करा सकता है और छोटे छोटे बच्चों को जरूर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो तो प्रसाद बांटिएगा।
तो इस काम को आप कीजिएगा, तो ये प्रयोग आप कीजिए। इस प्रयोग से आपको 100% अपने घर में धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त तो होगा और उससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी। जो भी समस्याएं आ रही हैं आपको धन से संबंधित, वो दूर हो जाएंगी। आप देखोगे कि इस जब प्रयोग को जब आप करोगे तो दीपावली तक ही आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। तो आप इस काम को ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर हमें मैसेज कर सकते हो। आपके मैसेज का जवाब हम जरूर देंगे। हो सकता है कि कभी किसी समय व्यस्त होने के कारण साथ के साथ जवाब नहीं दे सके, लेकिन थोड़े समय बाद ही क्यों ना दे, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। इसलिए आप हमें मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। हम कमेंट के जवाब भी आपको ज़रूर देंगे, चाहे थोड़े समय बाद ही दे, लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आप कमेंट भी कर सकते हो, और कोई वीडियो चाहिए तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे अन्य लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सके। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।